मैंने पर प्राण भर दिया। लगे भाई सुन, रसोई घर के अंदर जो हंडा रहता रहेगा, उस हंडे में जब तक जल रहेगा तब तक उस घर का धन कभी मैं समाप्त नहीं होगा। अब जाओ हमारी भजन पद्धति थी, हमारे मकान जहाँ भगवान ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं, मकान का मोहरक हो, दुकान का मोहरक हो, अच्छा काम हो, जैसा भी कर्म ब्राह्मण कराते हैं, उस कर्म को कर्म कांड को जब हमारे विद्वान विद्वान ब्राह्मण कराते हैं, तो सबसे पहले एक हंडा भर कर रखते हैं, कलश भर कर रखते हैं। वो कलश भी नीचे से ऐसा होकर ऊपर से फैला कर उसका मुंह छोटा। वो कलश क्यों रखते हैं? उसका कारण है कि हमें भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को, ब्रह्मदेव को, ब्रह्मानी को, किसी देवताओं को कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा नहीं। आरो लगा दिया तो बस डायरेक्ट बटन दबा, पानी भर लिया गिलास में और पी लिया और चल दिए। अब ना तो वहां पर हंडा रखा, ना कोई मटका रखा। हंडा या मटका या मटकी होना जरूरी है अगर घर में संपदा देखना चाहते हो। तांबे का रखो तुम्हारा मन बड़े स्थिर का रखो, तुम्हारा मन बड़े पीतल का रखो, तुम्हारा मन बड़े मिट्टी का रखो, तुम्हारी जैसी मन की मर्जी हो वैसा रखो। और तुम्हारे पास में ज्यादा धन हो तो चांदी का रख लो, तुम्हारी मर्जी। और ज्यादा भगवान कृपा कर दे तो सोने का धर लो, कोई कल्पना। ये तो तुम्हारे मन की बात है।